हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए गर्मियों में काढ़ा सेफ तरीके से कैसे बनाएं उसकी रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे मैंने बहुत ही कम मसालों के साथ बनाया है, क्योंकि गर्मियां हैं जिसमें हमें वो नुकसान कर सकते हैं ज़्यादा मसाले, इसीलिए हमने कम मसाले के साथ आज इस काढ़े की रेसिपी को देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी को गर्म होने रख दिया है। जब तक पानी गर्म हो रहा है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर 1 तेज़पत्ता डाला है, वो भी बहुत छोटा ही है। छोटी सी दालचीनी की स्टिक डाली है। यहाँ पे मैं आधी लाल इलायची ली है, जो बड़ी वाली काली इलायची होती है ना, वो ली है। और एक हरी इलायची ली है। यहाँ पे मैंने 4 काली मिर्च के दाने और 4 ही लौंग ली है। इसको मैंने कूट के इसमें नहीं डाला है, क्योंकि जब हम कूटते हैं तो जो काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो गले में लगता है। स्पेशली बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तब तो लौंग और काली मिर्च आप बिल्कुल भी कूट के ना डालें, इससे बच्चे नहीं पी पाते हैं, उनके गले में लगता है, इसलिए इसे साबुत ही डालिए। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच अदरक को कूट के डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। ये मैंने बहुत ही कम मसालों के साथ बनाया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है। हमने इसे 5 से 7 मिनट कवर करके इसे बॉईल करते रहेंगे, बीच बीच पे चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा काढ़ा कितना अच्छा बॉईल हो रहा है और काफ़ी पानी हमारा रिड्यूस हो चुका है। इसे कवर करके ही इसे बॉईल कीजिएगा, जिससे ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब हम इस काढ़े को अपने स्ट्रेन कर लेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इस काढ़े को बनाया है, जो कि पूरी तरह से सेफ है। अब हम इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। शहद आप कोई सा भी डाल सकते हैं, हनी। जो शहद होता है ना, वो हमारे गलों की खराशें होती हैं, जुकाम होता है, उसको पूरी तरह से सही करने में बहुत ही हेल्प होता है। अब हम यहाँ पे 1/2 नींबू का रस डाल रहे हैं। अगर आपको नींबू से कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी तरह की, तो आप इसको ज़रूर डालिए, चाहे थोड़ा डालिए, लेकिन नींबू डालने से इसमें विटामिन सी हमें मिलता है, जो इसकी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आप पसंद नहीं करते तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। यह हमारा बहुत ही इफ़ेक्टिव काढ़ा बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही कम सामान से हमने इसे बनाया, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कोरोना के समय में ये रेसिपी बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। आपको ये रेसिपी कितनी फ़ायदेमंद लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।